हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड मूवी स्टॉक। और आज हम बात करने वाले अक्षय कुमार की न्यू अपकमिंग मूवी रक्षाबंधन के बारे में। तो फाइनली रक्षाबंधन के दिन इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसी दिन अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम में इस मूवी की ऑफिशियल पोस्टर को पब्लिश की है। और इस पोस्टर में अक्षय कुमार अपने चारों बहन के साथ नजर आ रहा है और उनके हाथों में राखी बांधी हुई है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी एक इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी होने वाली है। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं आनंद एल राय और अक्षय कुमार खुद इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। और अक्षय कुमार अपने पोस्ट में लिखा है कि जिंदगी में ऐसे बहुत ही कम स्टोरी होती है जो दिल को छू जाती है और ये मेरी लाइफ की बिना सोचे समझे सबसे फास्ट साइन करने वाली मूवी है। और इस मूवी में मुझे मौका देने के लिए थैंक्स करना चाहूंगा डायरेक्टर आनंद एल राय को। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अक्षय कुमार इस मूवी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है। तो फाइनली बात कर लेते हैं इस मूवी की रिजल्ट के बारे में। ये मूवी रिलीज होने वाली है 5 नवंबर 2021 में, यानी कि दिवाली के मौके पे। और उस टाइम अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज चौहान रिलीज होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते वो मूवी उस टाइम रिलीज नहीं हो पाएगा। इनके अलावा अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी की बात की जाए तो लक्ष्मी बम, बेल बॉटम, सूर्यवंशी, बच्चन पांडे, इन जैसे धमाकेदार मूवी आने वाली है। लेकिन फिलहाल अक्षय कुमार बेल बॉटम की शूटिंग को लेकर बिजी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।